नमस्कार दोस्तों, विकास अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने एक टेस्टिमोनियल बेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट के लिए लेके आया हूँ मैं। आज 24/11/2017 और मैं अभी भोपाल से ग्वालियर आया हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इनको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, उनको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम जो बात कर रहे हैं बेस्टीज के कुछ फूड सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक सप्लीमेंट है बेस्टीज कैल्शियम, एक है बेस्टीज ग्लूकोसामिन और एक है बेस्टीज प्रोटीन पाउडर। इन प्रोडक्ट को लेने से क्या बेनिफिट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यतेंद्र मौर्य जी से, जिनके घर पे अभी मैं आया हुआ हूँ। और यतेंद्र जी ने जो है बेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, बिजनेस प्लान देखा और इस प्रोडक्ट को अपनी मम्मी जी के लिए विश्वास के हाथ देना शुरू करा और उनको बेनिफिट निकल के आए। तो हम जो है यतेंद्र जी से जानेंगे कि इन्होंने प्रोडक्ट जब देखे तो इनको कैसे विश्वास आया और फिर इन्होंने विश्वास के साथ मम्मी जी को दिए। उससे पहले मम्मी जी को क्या चैलेंज थे, हेल्थ चैलेंज, और फिर उससे क्या बेनिफिट हुए? जी, जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब मेरा 12,000 रुपये का एक इंजेक्शन सजेस्ट किया गया था, जो ऑपरेशन का हड्डियों की रिकवरी, जो जोड़ को जो क्रैक रहते हैं उनको जोड़ने में ज़्यादा मदद करता है। तो 12,000 का इंजेक्शन कराने पर भी वो उतनी रिकवरी नहीं हो पाई थी। मैंने बेस्टी के प्लान देखा, उसकी मेडिसिन के बारे में जाना, तो वो 1,000 के मेरे को मिल रहे थे। तो मैंने 12,000 का मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ तो 1,000 का इजीली कर ही सकता हूँ। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो 12,000 प्रॉफिट नहीं मिला तो 1,000 यूज़ करने में क्या दिक्कत है? जब यूज़ करके देखा तो मैं 3 महीना कोर्स किया उसका, तो काफ़ी फ़ायदे नज़र आए उसमें मुझे। जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम ये स्क्रू लगे हुए थे, तो उसके बाद जब स्क्रू निकलने के बाद जो गैपिंग है काफ़ी टाइम, ये भी थोड़ा पुराना है, गैपिंग जो रिकवर नहीं हो पाई थी। फिर उसके ट्रीटमेंट के बाद ये काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। ये सब अपने बेस्टीज के प्रोडक्ट देना शुरू करे, 3 महीने लगातार मम्मी जी ने ग्लूकोसामिन कैल्शियम और प्रोटीन लिया, तो उसके बाद जो है ये गैपिंग काफ़ी हद तक जो है पूरी भराई रिकवर हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है। अब इसके बाद एक्सरे नहीं कराया मैंने, सबसे लेटेस्ट यही है। ये एक्सरे आपने करवाया है एम्स में 18/9/2017 को? हाँ, एम्स में। ठीक है, अब हम जो है यतेंद्र जी की मम्मी जी से बात करते हैं कि उनको किस तरह से जो है बेनिफिट मिला और पहले उनको क्या तकलीफ थी। मम्मी जी बताइएगा, आपको जो है, जी बताइए। मम्मी, दवाई खाने के बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ, कुछ सही भी अच्छा महसूस हुआ जी, दर्द में कुछ फर्क आया जी, अच्छा महसूस अभी भी कर रही हूँ। ज़रा बल बीच में हो गया तो कमजोरी महसूस करने लगी, चलने फिरने में दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा। अब दोबारा चालू किया, आराम महसूस हो गया। मतलब आपने 3 महीने लगातार जो है ये सप्लीमेंट लेने के बाद बीच में गैप हो गया आपसे, तो उस समय आपको तकलीफ महसूस होने लगी? होने लगी। और अभी जब दोबारा आपने जो है 1-1.5 महीने से लेना शुरू करा तो फिर से आपका दर्द और तकलीफ दूर हो गई? जब आप इंजेक्शन लगी मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा, नींद में भी आपको फर्क पड़ा उससे जी? अच्छा, जब आप जो है इंजेक्शन लगवाते थे तो उस समय आपको कोई तकलीफ होती थी? इंजेक्शन की वजह से कुछ मतलब स्किन चटकने लगी थी। अच्छा, जैसे हवा से शरीर चटकता है जी, तो उसकी वजह से उसी में भूले रहे। अब इंजेक्शन बंद किए जब महसूस हुई स्किन से इन्फेक्शन हो गया जी, और पैरों में भी इन्फेक्शन आ चुका है। अच्छा, बिजली बचती है तो हम देख सकते हैं कि पैरों में किस तरह से इन्फेक्शन आ रहा है आपका। ये इंजेक्शन लगने से आपकी स्किन फटने लगी थी ना, और ये इंजेक्शन आपको आ गया था और खुजली होने लगी थी। आपको कुछ दवा से ठीक हो गई? सब पैर खराब हो गए, ये सब नीचे से ही सब। तो ये सब
जी तो इंजेक्शन बंद करे हुए आपको जो है कितना समय हो गया है? आप कब से इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं आप? करीब दिसंबर तक, एक साल होने वाला है। एक साल हो गया है, एक साल से आप जो है इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं। और करीब पिछले आपने जो है 6-7 महीने पहले से आपने सप्लीमेंट देना शुरू करे, जिससे आपको बेनिफिट मिला है नहीं? यहाँ पर आप कुछ और भी मुझे बता रहे थे कि कुछ और चीज़ें आपको जो हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैं आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करूँगा। और आप जितने विश्वास के साथ आपने अभी तक जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, सप्लीमेंट यूज़ करे हैं, उसी तरह से आप ये दूसरे भी जो है सप्लीमेंट यूज़ करिए, आपको उसमें भी फ़ायदा मिलेगा नहीं? ठीक है, दोस्तों जो टेस्टिमोनियल आज हमने ग्वालियर में बनाया है, ये तो ये एक विश्वास का ही नतीजा है कि हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं और डॉक्टर हमें जो बताता है स्पेशलिस्ट होने के बावजूद, तो भी हमें वो साइड इफ़ेक्ट से हम नहीं बच पाते हैं। एलोपैथी दवाई हम जब ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हम सुनते हैं कि होता है, वो चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे भी उसका वो इन्फेक्शन देखने को मिला। बेस्टीज के जो सप्लीमेंट हैं वो दवाइयाँ ना होकर फूड सप्लीमेंट हैं, जो हमारे पोषक तत्व खाने में रह जाते हैं तो वो कमियों को पूरा करते हैं। और आज के समय में जो भी बीमारी हमारे शरीर में हो रही हैं वो फूड सप्लीमेंट उसको रोकने में मददगार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो बीमारी आती है वो हमारे खान पान की वजह से ज़्यादातर आती है कि हम पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको इससे कोई हेल्प मिली है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। विकास अग्रवाल वेस्टीज के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।